आईएमआर में आज मौजूद हूँ मैं, और आज का शुभ अवसर है नेक जो उपाधि दी जाती है, नेक द्वारा डबल ए की जो उपाधि मिली है प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट को, और उसकी जानकारी उससे संबंधित बात कर, लेकिन हम डॉक्टर योगेश्वरी पाठक जी आपके स्क्रीन पर हैं। मैडम, काफ़ी कुछ बातें आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई है, हम छोटी सी बात हमारे दर्शकों को जानना चाहते हैं कि जो नेक का आपको ग्रेड मिला है उसके लिए आपको कितने समय से तैयारी करना पड़ी, और अब इसके आगे क्या प्रेस्टीज सोच रहा है कि उसको आगे और क्या करना है? सर, तैयारी तो एटलीस्ट 1.5 ईयर पहले से डॉक्यूमेंटेशन की चालू करनी पड़ती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी एक्सटेंसिव होता है जो हमको करना पड़ता है। और वैसे देखा जाए तो एक्चुअल तैयारी जो है वो तो 5 साल पहले ही करनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट मूल्यांकन जो हुआ है उसके बाद से जो जो हमने कार्य किया है वो सभी का रिपोर्टिंग जो है वो करना पड़ता है। तो ये 5 ईयर्स का जो डेटा है पूरा हमको उनको देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है सारी एक्टिविटीज़ के बारे में। हमने अपने अपने वक्त में बात करी थी, आप सोशल एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं जिसको एक पार्ट होता है नेक के, जो सवाल पूछे जाते हैं उन एक्टिविटीज़ के जो गतिविधि जो आप करते जा रहे हैं वो इंदौर में ही करते हैं, इंदौर के बाहर भी करते हैं? हाँ सर, ऐसा है कि अभी टेक्नोलॉजी के कारण हम सिर्फ इंदौर में सीमित नहीं हैं। जैसे कि हमने एक सेट प्रोग्राम चालू किया था जहाँ पे हम जो गवर्नमेंट के स्कूल टीचर्स हैं जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आता, उनको हमने प्रयास किया था कि उनको हम कैसे टेक्नोलॉजी से अवगत कराएं और ताकि वो अपने क्लासेस ऑनलाइन दे पाएँ। तो ऐसे हमने जो है करीबन 1000 टीचर्स को ऑल ओवर MP भी कवर किया है। तो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम केवल इंदौर में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं खुद को। बहुत आम सामान्य सवाल होता है कि प्रेस्टीज को जो ग्रेड मिली है उसका छात्रों को क्या फ़ायदा मिलेगा, दूसरा कई सवाल ये भी आते हैं क्या इसका कोई बेनिफिट UGC देता है, कोई ग्रांट देता है? सर, हम एक प्राइवेट संस्थान हैं तो हमें तो ग्रांट नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर है कि हमको इस बच्चों को जो है इसका काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो कंपनीज आती हैं प्लेसमेंट के लिए तो उस केस में वो ज़रूर ये देखते हैं कि एक्रेडिटेशन है कि नहीं संस्थान की, और क्या लेवल के संस्थान में हम जा रहे हैं, इससे बहुत फ़ायदा होता है बच्चों को। चलिए, हम एक बार पुनः आपको बधाई भी देते हैं, और इंदौर के लिए बड़े प्रेस्टीज की बात है, और हम जिक्र भी कर रहे थे कि जो प्रेस्टीज से करते हैं प्यार वो नेक से कैसे दोस्तों नमस्कार, मैं आज प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट में हूं, और जल्द ही प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के रूप में सामने आने वाली है, और उसके लिए विशेष जानकारी देने के लिए हमारे मौजूद है डॉक्टर अनिल वाजपेयी जी। सर, एक पुराना विज्ञापन है कि जो प्रेस्टीज से करते हैं प्यार हो कैसे करें इनकार, तो शिक्षा के जगत में जो प्रेस्टीज को चाहने वाले हैं अब उनको नई सौगात मिलने वाली है प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी के बारे में। हम आज चूँकि नेक के बारे में बात करने वाले थे, लेकिन चूँकि नया विषय हमारे सामने आ गया, हम उस बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट आप ला रहे हैं, उसकी क्या विशेषता है? नमस्कार, और पंडित जी आपका सवाल बहुत ही क्या बोलना चाहिए सामायिक है, एकदम सही समय पे आपने ये प्रश्न किया है। और मैं इतना कहूँगा कि ये प्रस्तावित यूनिवर्सिटी है वर्तमान में, कुछ ही अवसर के बाद में, कुछ ही समय के बाद में हमें संस्था हमें शासन से अनुमति मिल जाएगी कि इसको हम पूर्ण रूप से लॉन्च कर सकें। तो जैसे ही हमको ये अनुमति मिलती है तो उसके पश्चात हम इसी सत्र में प्रयत्न कर रहे हैं कि पहला विषय लॉन्च करेंगे जो होगा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत होगा उसके लिए हमने कुछ बहुत ही नायाब चीज़ें की हैं। पहला तो हमारा कदम रहा है कि हम विश्व के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटीज के साथ में क्रय करें, अपने सहयोग का उनसे रिश्ता बनाएं। दूसरा कि जो सबसे बढ़िया संस्थान है, जो नौकरियां देते हैं, जो लोगों को यूज़ करते हैं ऐसे टैलेंट को, उसके साथ बात करें।
तो इस काम के लिए हमने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, BCG एक विश्व स्तरीय कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चिन्हित करके उनको हमने काम दिया और उनके साथ मिलकर पिछले 4 महीने से हम प्रयत्न करते हैं। कई कई यूनिवर्सिटीज़ के साथ में हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि उनके साथ MOU साइन करेंगे ताकि वो हमें मेंटरशिप के रूप में हमारा सहयोग करेंगे हर विषय पे। 5 विषय जो अपन ने चुने हैं इस समय वो हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ई बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स और अंत में एक बहुत ही नया विषय है सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट। सर हमारे दर्शक जो आपको देख पा रहे हैं, PMIR जो है सर पिछले 27 सालों से इंदौर से कर रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी में जो आपने कहा कि हम विजिट भी करवाएंगे, नया जो यूनिवर्सिटी है उसका इंदौर में जगह कहाँ पर है? और ये शायद इंदौर वासियों को सबको तो मालूम ही होगा कि लव कुश चौराहा है, एक बड़ा फेमस जगह है जहाँ से एक तरफ एयरपोर्ट की तरफ जाता है आपका सुपर कॉरिडोर और दूसरी तरफ उज्जैन की तरफ आपकी हाईवे जाती है। तो उज्जैन वाली सड़क पे लव कुश चौराहे से कुल 5 किलोमीटर दूर बाई तरफ जेल जैसे ही ख़त्म होती है वहाँ पे रिंगनोदिया गांव में हमारा ये स्थित है यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट। इस समय 35 एकड़ की एक प्लॉट में लगभग 3 लाख स्क्वायर फुट का निर्माण हो रहा है जो पहला सत्र है। ये आगे चल के और भी आएगा, इसकी क्षमता होगी कोई 9000 छात्रों की जिसमें से 2500 छात्र बिल्कुल रेसिडेंशियल कैंपस में ही रहा करेंगे। हाँ तो सर हम हमारे दर्शकों को इस जानकारी के साथ ले चलते कि जल्द ही इसकी विस्तृत जानकारी हम आपसे फिर लेने वाले हैं और मौका लगे तो नई यूनिवर्सिटी कैंपस में ही लेंगे। अवश्य आपने जानकारी, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।